दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा अभी जो है बिल्कुल फजर के टाइम के थोड़े बाद का टाइम है, बिल्कुल सुबह हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी तक सूरज भी नहीं निकला है। तो अच्छा आज की वीडियो में जो है क्या सीन है, आपको मैंने पहले वीडियोज़ में अपने कबूतर दिखाए हैं सारे, पीकॉक दिखाए हैं और जो है लव बर्ड भी सारे आपको दिखाए हैं। तो अभी जो है आपको जो है आप लोगों को मैंने मुर्गियाँ दिखाना रहती हैं और आपको याद होगा मेरे पास एक कैट होती थी वाइट कलर की और वो भी मैंने आपको दिखाना रहते हैं और उसकी मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा बाद में और उसकी भी सारी अपडेट बताऊंगा। अभी खैर इस वीडियो में जो है आपको मुर्गियाँ दिखाने लगा हूँ, थोड़ी मुर्गियाँ मैंने कम भी कर दी हैं, बाकी जो हैं वो दिखाता हूँ और उनका क्या सेटअप है। क्योंकि याद करें यहाँ पहले पीछे जो मेरा मास्टर केज है यहाँ पर पहले होता था बट अब मास्टर केज बन गया तो उनका मैंने जगह बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखें सबसे पहले हम ये सामने वाले केज से स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो केज है ना। अच्छा ये जो है अभी सही से लगा नहीं है प्रॉपरली, बस ये अभी ऐसे ही हल्का सा लगा हुआ है, बाकी इसमें मेरा बजरी वगैरह रखने का इरादा था। अच्छा इसके अंदर जो है हमारे पास एक, मैं थोड़ी लाइट जला लेता हूँ कि अभी तक सूरज नहीं निकला है, थोड़ा अंधेरा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमारे पास एक मुर्गी है जो कूड़ा कोई थी और अंडों पर बैठी थी। ये देखें इसके अंदर बैठा, ये देखें माशाल्लाह ये कूड़ा के मुर्गी। बट इसका मसला सारा ये था, ये ना अपने अंडे खाई थी, इसके नीचे हमने रखे थे 5 अंडे, पहले ये एक अंडा खा गई और उसके बाद जो है फिर ये एक अंडा और खा गई कुछ दिन के बाद। तो जो है हमने इसके नीचे से अंडे हटा दिए, ये देखें अब बस ये ऐसे ही बैठी हुई है क्योंकि कूड़ा के ये, तो इसको हम बैठे रहने थे। बाकी इसका यहाँ पे हमने दाना डाला हुआ है, वहाँ पानी रखा हुआ है और ये जो केज है हमने खुला छोड़ा हुआ है, अगर ये बाहर भी आना चाहे तो आ सकती है बट ये अपनी मर्ज़ी से बस बैठी हुई है। देखिए इसको मैंने खुला छोड़ा हुआ है, बाहर आना चाहे बाहर आ सकती है बट ये अपनी मर्ज़ी से बैठी हुई है, जब इसका मूड होगा बाहर आने का तो आ जाए, क्योंकि ये अपने अंडे खा रही है ना फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने इसके अंडे जो आधे इंक्यूबेटेड हुए हुए थे तो वो फिर मैंने इंक्यूबेटर के अंदर रख दिए। अच्छा बाकी जो हमारी मुर्गियाँ हैं उनका सेटअप जो है यहाँ पे मैं नीचे बनाया हुआ है, ये भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुर्गे आपको हम शौक करा दें भाई अपना, ये देखें माशाल्लाह ये देखें पूरा भी नहीं आ रहा फ्रेम में, थोड़ा दूर से बनाते हैं, ये देखें माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें आप खाली। अच्छा ये देखें हम निकला है ना तो ये काफी परेशान हो गया, अभी चाह रहे हैं मैं इसको भी खोलूं और ये लड़ने के लिए आए। चलें इसको हम बंद कर देते हैं और मैं आपको दूसरा वाला मुर्गा दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसके अंदर ये इसका लॉक है, ये भी लगा देते हैं। अच्छा अब आपको ये वाला दिखाते हैं मुर्गा। अच्छा जो दो चूजे थे ना, एक ही मैंने आपको याद नहीं, मुझे खुद नहीं याद कि मैंने आपको दिखाए थे या नहीं दिखाए थे, इसकी देखें टांगें भी ख़राब हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल से दोनों मुर्गियाँ ही हैं, वैसे तो हमने इनके साथ डाल दिया और ये इनको मारता नहीं है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुर्गियाँ हैं तो इसी वजह से नहीं मारता। अच्छा ये मुर्गा हमारा बहुत अच्छा चुटकी पे भी घूमता है, देखें ये देखें जगह कम है, बाहर आएगा तो सही से घूमेगा। तो इधर इनको बाहर निकाल देते हैं, अब यहाँ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी अपने चूजों के साथ जा रहे हैं, इसको अभी अकेला थोड़ा करेंगे ना फिर इसके बाद ये घूमेगा। आज मूड नहीं लग रहा है इसका घूमने का चुटकी पे, ये अभी ना बस उससे लड़ने के चक्कर में, किसी तरह जाए अभी उससे लड़ेगा ही देखिएगा। अच्छा ये देखें ये ना आवाज़ जो मुर्गियों को बुलाने के लिए निकालता है ना वो निकालता है, तो ये दोनों मुर्गियाँ आ जाती हैं, ये देखें ये गया इससे लड़ने के लिए, अब इसको छोड़ देते हैं, ये कभी ज़ख्मी हो जाए तो हम लड़ ले आते हैं।
अच्छा बाद में जो है ना, जो हमारे पास अभी इस मुर्गी के चूजे निकलेंगे उनमें कोई मुर्गा निकलेगा ना, फिर हम लोग बाद में शायद फिर ये वाला मुर्गा हटा देंगे, काफ़ी एजेड भी हो गया ये, बट देखते हैं उसके क्या बच्चे निकलते हैं, सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं। ये देखें अब ये इसको बुला रहा है तो ये दोनों भागे भाग के आ जाते हैं। ये देखें ये देखें, ये अब आया है ना अपनी मस्ती में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये देखें कबूतर भी अब बाहर आ गए हैं, दाना वगैरह खाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।